जो पूरा इंटरनेट डूबा हुआ है एलविस यादव और बिग बॉस के सिस्टम में, सिस्टम चल रहा है उस टाइम पे मैं एक न्यू टॉपिक लेके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने आ गया हूँ गाइस। That's what you like। सूर्य भाई एक ऐसा वीडियो बनाओ आप जो किसी ने ना देखा हो, और वो कोई भी ना देखे फिर बाद में कोई भी ना देखे, हम भी ना देखे। देख लो ये तो एक न्यू सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है रील्स डस्टबिन। ठीक है, वेरी ओरिजिनल नेम। तो हम यहाँ पे वो रील्स देखेंगे जो स्ट्रेट बिलोंग करती है डस्टबिन में। ओके, यू गेट द आइडिया। ओ माय गॉड यार, प्लीज मौत, तेरी मौत आ जाएगी, हट जा। सो आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं ना, वो एक तरह से ऐसे बोल लो कि इंस्टाग्राम की क्राइम पेट्रोल रील्स। आई डोंट नो तुमने इंस्टाग्राम पे देखी होगी कि नहीं, बट आजकल ना काफी वो एक फेक सस्पेंस वीडियोस चलती है काफी। तो समझाने से अच्छा है कि मैं दिखाई देता हूँ। ले ली समोसे की फोटो। वाओ भाई वाओ, व्हाट अ वे टू स्टार्ट अ वीडियो। वायरल बिरयानी जी आज टावल के अंदर घुसे है समोसे के फोटो। ओके दिव्या, ये क्या कर रही तू? 10 रुपए का कैश बैक कूपन निकाल रही है दिव्या। ऑब्वियसली पता लग रहा है तुझे क्या कर रही है, तेरे कच्चे के अंदर से फोटो खींच रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे प्राइवेट पार्ट की फोटोज क्यों ले रही थी तू? सिर्फ फोटो नहीं ले रही थी, मैंने ना तुम्हारे ऑफिस के ग्रुप में इस फोटो को फॉरवर्ड भी कर दिया है, अब मजा आएगा। अरेंज मैरिजेस आर रियली स्केरी भाई। व्हाट इफ शी बी लाइक, आज हमारा झगड़ा हुआ है, तुमने सुबह बोल दिया है यार चाय पिला दे यार, एक मैं नहीं बनाऊंगी चाय। तो चाय नहीं बनती तेरे से, घर में बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद You never know भाई, अरेंज मैरिज आर रियली स्केरी भाई। अरे दिव्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू अपने पति के सरेआम इज्जत क्यों नीलाम कर रही है? क्या मिल रहा तुझे ये सब करके? अरे वाह, देखो बहुत सारे लोगों ने ना देख भी ली, तुम्हारे कलीग्स ने ना रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया। कलीग्स भी लाइक, ये तो वेरी नाइस बुंड है, ये तो पसंद वाली है जी हमारी। आपकी बुंड बहुत खूबसूरत लगी है मुझे। दिव्या जी के हस्बैंड की तो हमारी पसंद वाली बुंड। दिव्या डिलीट कर, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा तुम्हारी इज्जत और बाकियों की इज्जत कुछ नहीं? दिव्या तू कैसी बात कर रही है? एक तो तूने पूरे मेरी फोटोज भेज दी और उसके बाद उल्टी सीधी बातें कर रही है। कौन सी इज्जत, किसकी इज्जत? उन लड़कियों की इज्जत जिनकी इसी तरीके से प्राइवेट पार्ट की फोटोज खींच के तुमने वायरल की है। भाई उसका काम है, वो वायरल बिरयानी है। देखो गाइस अभी चक्कर नहीं खाना, अभी और आएंगे अपने बिरयानी भाई की वीडियोस। एक्सक्यूज मी, हां जी मैडम, आपकी दुकान में ब्रा होगी? क्या ब्रा? ये देखो ब्रा सुन के खड़ा कैसे हुआ है। क्या ब्रा? पता क्या, मेरे को शुरू में ऐसे लगता था कि केमिस्ट ऐसे ही खड़ा होगा मेरा जब मैं उसको बोलूंगा ये कंडोम देना। क्या इतनी छोटी उम्र में सेक्स सुख शुरू कर दिया है? मुझे बहुत डर लगता था उस टाइम पे, सेक्स सुख कर रहा है भट्ट साहब का लड़का, सेक्स सुख से इतनी छोटी उम्र में सेक्स। पता क्या, आउट ऑफ टॉपिक, 2-3 बारी के बाद ना डर निकल जाता है। अब तो मैं जाते ही उस शॉप में हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग खड़े हों, आगे जाके ऐसे बोलता हूँ भैया एक दिखाना, और फिर मैं क्या करता हूँ और अनकंफर्टेबल करने के लिए केमिस्ट को, भैया ये वाला नहीं, ये वाला कुछ अलग सा दिखाओ, कुछ नया दिखाओ। भाई केमिस्ट अनकंफर्टेबल, सच में लोग अनकंफर्टेबल, आंटियां मुझे ऐसे देख रही हैं। इतना इंपॉर्टेंट फील नहीं होगा तुम्हें जितना तुम्हें तब फील होगा जब तुम केमिस्ट पे जाके क्वांटम पूछ लोगे, वो भी फुल आवाज में। हां कौन है भैया? चलो नेक्स्ट डस्टबिन रील। नहीं, क्या आप हो? नहीं, भाई ये कौन सा तरीका है यार? एक तो उम्र क्या आपकी, 10 साल? इस वीडियो के पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ होगा, मैं बता रहा हूँ। वीडियो का प्लॉट भी बताता हूँ आगे जाके क्या होगा। वीडियो का प्लॉट होगा कि एक बच्चे को भेजा है कि पूछने के लिए आपकी है कि नहीं, फिर बाद में कोई लड़का आएगा, मेरी तो तुझसे शादी होने वाली थी, तू तो बोल रही थी मुझे वर्जिन है तू, और तू नहीं निकली। बता रहा हूँ वीडियो का प्लॉट भी बता मुझे आगे का। हाँ मैंने सही बोला, क्या आप वर्जिन हो या नहीं? तो तू पागल वागल हो गया क्या? कैसी फालतू की बातें कर रहा है, मुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है। हाँ मैंने आपसे सही क्वेश्चन किया, अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं ये पूरा आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। क्या ये कौन सा केबीसी चल रहा है, और ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है पब्लिक में? मेरे से पूछो यार, मुझे भी 1,00,000 रुपए से। भाई ये सोशल एक्सपेरिमेंट रील्स वाले कहाँ तक पहुँच गए? मुझे तो वही तक ही पता था कि भैया आउटफिट कितनी है आपकी, आउटफिट कितने की है आपकी भैया, बर्थ बर्थ कितने की आउटफिट? पूरे 1,00,000 रुपए। पूरे 1,00,000 रुपए दूंगा, सारे क्वेश्चन का आंसर। नहीं मैं वर्जिन नहीं, एक्चुअली मैं अपनी वर्जिनिटी लूज कर उसने 1,00,000 रुपए भी दिए, चला गया सुन के। सही बात है भाई, बच्चों को ज्यादा पॉकेट मनी नहीं देनी चाहिए, पता लगा वो स्ट्रीट पे जाएगा। हां जी ओए पापा जी, आप वर्जिन हो?
अभी थोड़े टाइम पहले वो दूसरा बच्चा देखा था जो बोल रहा था अंकल जी पानी पिला दीजिए, ये कौन से पानी के पीछे है। ये रेड सॉस पास्ता गिर गया। अच्छा अच्छा गुटके वाला सिस्टम, ओके ओके। शेजवान चोश, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस, दिस सॉरी ऐसे बोलना चाहिए, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस। देखो कैसे गुस्से में भर रही है लड़की। अब लड़के मुंह से पीरियड्स भी ना करें, हम यहाँ से आते हैं। बे नींबू कितने रुपए किलो है? नहीं ये कौन सा वे हुआ पेमेंट लेने का, व्हाट इज, कौन सा क्यूआर स्कैन हो रहा है? ये अंदर चार्लीजर्ड बैठा है, पोकेमोन गो चल, क्या हो रहा है ये? ये कौन सी वायरल बिरयानी है भाई? मेरे को आज तक जीपे का मतलब गूगल पे लगता, व्हाट इज दिस, गलीच रील्स एक नंबर की गलीच। ये डस्टबिन में भी डिजर्व नहीं करती, इनके ऊपर तो कुछ और करना पड़ेगा भाई। यार ये क्या गलीच रील्स है। अच्छे अच्छे पोज देना, चलो शुरू करते हैं। मैम इस टांग को थोड़ा फैला लीजिए। ये देख लो यूजी भाई को देख, यूजी भाई गुगली भाई, ये कौन से कैशबैक मिल रहे हैं तुम लोगों को, मैं पूछना चाहता हूँ। ये हर दूसरी वीडियो में ये स्कैन ही करी जा रही है, कुछ 40 बैठा अंदर। वैसे क्राइम पेट्रोल रील्स वालों का अच्छा आइडिया खत्म, कच्चे में कैमरा घुसेड़ दो। मैं लड़कों का फिर भी समझ सकता हूँ कि वो करवा लेंगे, ये वो बोलेंगे हाँ भाई कंटेंट के लिए, क्या ही शर्म भाई। लड़कियों कैसे करवा रहे हो तुम, ऐसे ऐसे फ्लैश ऑन करवा रहे हो यार। बट डोंट यू हैव अनदर पीपल टू मीट आउटसाइड ऑफ द कंटेंट मैन, कुछ तो होंगे लोग। वो नहीं बोलेंगे भाई क्या कचरा कर रही है यार, क्या कर रही है तू। भैया आज शादी करके आ गए, आपने बताया भी नहीं। क्या करूं छोटी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बता नहीं पाया। इतनी जल्दी कौन सी शादी हो जाती है? हमारे भारत की शादी 4-5 दिन लेती है वैसे तो। चलो कोई ना, अब सारी बातें यहाँ दरवाजे पे ही करनी है, या अंदर भी बुलाएगी? भैया ऐसे कैसे, पहले भाभी का चेहरा तो दिखाइए। हाँ भैया भाभी का चेहरा तो दिखाओ। ये लो फिर। क्या भैया आप हिंजड़े से शादी करके आ? भाई ये कौन लिख रहा स्क्रिप्ट है यार, ये कौन लिख रहा है? लड़के मेरी बात सुनो, आपके भाई को तलवारबाजी का बहुत शौक है। पहले मुझे पता है, लगता था ऐसे कि जैसे गे लोग होते उनका सीन ऐसा रहता होगा कि वो ऐसे तलवारबाजी करते होंगे, बट आई वाज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ठीक है कर रहे हैं, ये क्या किया तूने, इतना सारा पाउडर क्यों डाल दिया मेरे ऊपर? अरे भाभी क्या हो गया ये क्या किया तूने? चाचा मेरे दोस्त आए हैं इसलिए मैं अपनी काली मम्मी को गोली कर रहा हूं। मैं काली है और काली रहेगी। इन दोनों ने अपनी शक्ल देखी है, बच्चे और इसे एक्टर है जो मेल, अपनी शक्ल देखी है दोनों ने। ये तभी साउथ इंडिया वाले हेट करते हैं ना, आई डोंट इवन ब्लेम देम एनीमोर। This is genius. ये दे रहा है बैगर्स को रोड पे आइडिया कि पैसे दे वरना दिखाता हूँ तुझे मैं अपना पारस पत्थर। भाई देखो वीडियो आज के लिए यही खत्म करते हैं, मेरे पास 65 वीडियोस हैं, 65। अगर पार्ट 2 चाहिए तो बता देना, मैं वो भी बना दूंगा, मेरे पास बहुत ज्यादा है। अभी के लिए मेरा बहुत क्राइम पेट्रोल हो गया, दैट इज इट फॉर द वीडियो, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब। ओ ये तो मेरी होने वाली बहू। ओके ये क्या, अरे ये तो पॉजिटिव रिस्पांस बता रहा है। ओ इसका मतलब मेरी होने वाली बहू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है, वो भी इस काले कलूठे कालिये के साथ। लीस्ट रेसिस्ट नॉर्थ इंडियन अंकल, लीस्ट रेसिस्ट मैं बता रहा हूं।